नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के बारां जिले की छबड़ा में मुस्लिम छात्रावास की जमीन को लेकर नगरपालिका और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के बीच तनातनी का माहौल। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज पिछले 23 साल से चले आ रहे मामले को लेकर गंभीर है। दरअसल छबड़ा में एक मुस्लिम छात्रावास बना है जहाँ रहकर गरीब मुस्लिम छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब इस छात्रावास के भवन पर टूटने के बादल मंडरा रहे हैं। जबकि नगर पालिका ने 2013 में विधायक कोर्ट से इस भूखंड पर 10 लाख रुपए का निर्माण कार्य करवाया था, अब नगर पालिका ने उसी भूखंड पर अवैध निर्माण बताकर 3 दिन में हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। स्थानीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने विधानसभा में इस भूखंड पर अवैध निर्माण का मामला उठाया था। इसके बाद ही विभाग हरकत में आया और बिना तथ्यों की जाँच के ही आनंद फानंद में नोटिस जारी कर दिया। जबकि मुस्लिम छात्रावास को रियायती दर पर भूखंड आवंटन को लेकर पत्रावली निदेशालय में विचाराधीन। इस भूखंड पर साल 2013 में तत्कालीन विधायक करण सिंह राठौड़ के विधायक कोष से नगर पालिका ने 10 लाख रुपए का निर्माण कार्य करवाया था। अब वो नगर पालिका इस भूखंड में बनी दुकानों को अवैध बताकर अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये भूखंड अवैध है तो नगर पालिका ने इस निर्माण कार्य क्यों करवाया। ऐसे में ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि दिसंबर 2013 में जिस भूखंड पर नगरपालिका ने निर्माण कार्य करवाया था वो अब अवैध कैसे हो सकता है। लोगों का कहना है कि नगरपालिका ने ये निर्णय राजनीतिक दबाव में लिया है, क्योंकि पहले नगरपालिका छबड़ा 3 बार बोर्ड मीटिंग में भूखंड को आवंटित करने का प्रस्ताव ले चुकी है। यही नहीं, नगरपालिका ने कई बार DLB जयपुर को भी रियायती दर पर भूखंड आवंटन करने को लेकर प्रस्ताव भिजवाया था। छबड़ा नगर पालिका ने पूर्व में भी अन्य कई समाजों को भी छात्रावास और धर्मशाला निर्माण के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित किए हैं। उन धर्मशालाओं और छात्रावासों में भी कई दुकानें बनी हुई हैं और उनका इस्तेमाल भी व्यवसायिक किया जा रहा है। नगर पालिका से नोटिस मिलने के बाद मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी छबड़ा के प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर बारा को ज्ञापन सौंप कर धरनावदा रोड पर खसरा नंबर 712 पर निर्मित मुस्लिम छात्रावास की पैमाइश करवाकर नियमानुसार राशि जमा कराकर नगर पालिका से पट्टा दिलाने और पट्टा जारी करने तक नगर पालिका को मुस्लिम छात्रावास के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने के आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी छबड़ा के अध्यक्ष शकील अहमद का कहना है कि जिस नगर पालिका ने 3 दिन में अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है उसी छबड़ा नगर पालिका ने भूखंड आवंटन के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रस्ताव दिया था। पहला प्रस्ताव 23 अप्रैल 2000 को, दूसरा प्रस्ताव 29 मई 2006 को और तीसरा प्रस्ताव 11 जनवरी 2010 को लिया था। इसके लिए वरिष्ठ नगर कोटा ने दिनांक 1 दिसंबर 2000 और 7 दिसंबर 2007 को योजना की स्वीकृति दी थी। यही नहीं, नगर पालिका में भूमि आवंटन के लिए 50,000 रुपए की राशि भी जमा कराई गई थी। इसके अलावा नगरीय विकास कर के रूप में 12 मार्च 2024 तक लगभग 44,280 रुपए नगर पालिका में जमा कराए गए थे। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शकील अहमद का कहना है कि नगर पालिका ने भूमि आवंटन हेतु निदेशालय जयपुर को 11 अगस्त 2004, 12 जून 2001, 10 जून 2010 और 27 मई 2013 को वांछित तथ्यात्मक रिपोर्ट और अन्य समाजों को दी गई भूमि का विवरण भी दिया था। जिला कलेक्टर कार्यालय में 8 जून 2005 को मुस्लिम छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की सूचना परिवादी को दी गई। जिला कलेक्टर ने भूमि आवंटन हेतु प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को पत्र लिखा था। नगर पालिका द्वारा जिला कलेक्टर को 22 दिसंबर 2009 को भूमि आवंटन नोटिफिकेशन की कॉपी देकर भूमि आवंटन की स्वीकृति मांगी गई थी। स्वायत्त शासन विभाग के पत्र क्रमांक 5114 दिनांक 5 जुलाई 2023 को कारण बताओ नोटिस के जवाब में वांछित नवीनतम भू आवंटन नीति 2015 के तहत 1 से 30 तक के बिंदुओं की पूर्ति कर नगर पालिका ने दिनांक 11 अगस्त 2023 और 11 सितंबर 2023 को संपूर्ण सूचनाएं प्रेषित कर दी गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी नगर पालिका ने अवैध निर्माण बताकर 3 दिन में हटाने का नोटिस दिया है, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका प्रशासन राजनीतिक दबाव में इस तरह की पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रहा है। तत्कालीन विधायक करण सिंह राठौड़ ने नगर पालिका की कार्रवाई को गलत बताते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की है। विधायक राठौड़ ने कहा है कि ये एक समुदाय विशेष को भाजपा नेताओं की नगर पालिका के जरिए परेशान करने की रणनीति है। राठौड़ ने कहा कि छात्रावास कोई एक व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है, ये सारे मुस्लिम समाज के लिए बनाई गई एक संस्था है, जिसमें मेरे कार्यालय में विधायक कोष से 10 लाख रुपए भी दिए गए थे, जिसका निर्माण कार्य जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृति जारी कर किया गया था। इतना ही नहीं, इसमें कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका छबड़ा को बनाया गया था। इस मामले को लेकर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा से
विधायक रफीक खान को भी पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। आने वाले वक्त में देखना होगा कि 23 सालों से छबड़ा में अटका पड़ा मुस्लिम समाज के छात्रावास का मामला सुलझ पाता है या नहीं, या फिर छबड़ा नगर पालिका इस छात्रावास के भूखंड पर बनी दुकानों को हटा दे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम टुडे। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।